नमस्कार, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप देख रहे हैं विज्ञान धारा। चाय में मिलावट, धनिया में मिलावट, दूध में मिलावट, पनीर में मिलावट, जी हाँ, मैं मिलावट की बात कर रहा हूँ। आजकल जितने भी खाद्य पदार्थ आते हैं उन सब में ज़्यादातर मिलावट होती है, तो कैसे हम इन मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचें? इसका सबसे आसान तरीका है वो है कि हम उसको जानें कि उस खाने वाले सामान में या खाद्य पदार्थ में कौन सी मिलावट हुई है। तो आज हम इसी को चेक करेंगे, जानेंगे। आज हम स्टार्च टेस्ट करेंगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट की। आप लोग को पता है कि हम लोग के खाने वाले सामान में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट या वसा होता है। तो हम लोग आज कार्बोहाइड्रेट चेक करेंगे। मैंने आटा लिया हुआ है जो आपके घर में यूज होता है, और पानी और आयोडीन। आयोडीन आपको मेडिकल की दुकान पे या जहाँ पे केमिकल मिलता होगा वहाँ मिल जाएगा। अब हमने एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया, आटा डाल दिया हल्का सा, और उसके बाद हमने इसमें पानी डाल दिया कि इसका घोल बन जाए। देख रहे होंगे आप लोग, घोल बन गया इसका, आटे का। अब हम इसमें आयोडीन डालेंगे। आयोडीन क्या कहता है, अगर किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च होगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट होगा, तो वो काले रंग में बदल जाएगा। किस रंग में? गाढ़े नीले या काले रंग में। तो आइए करके देखते हैं। ये देखिए आप लोग, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल काला हो गया। इसका रंग डार्क पीला होता है, मतलब गाढ़ा पीला होता है, लेकिन जब अगर किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च है तो ये काला हो जाता है। अब इस प्रयोग से हम लोग खाने में मिलावट वाली चीज़ों का भी पता कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग घर में पनीर लेके आए और अगर पनीर में आलू मिलाया हुआ है या चावल मिलाया हुआ है और हम उसमें अगर आयोडीन डालेंगे तो वो काले रंग का हो जाएगा, तो इससे ये पता चल जाएगा कि उसमें या तो आलू मिलाया गया है या मैदा या चावल। तो इस गतिविधि द्वारा हम लोग स्टार्च टेस्ट कर सकते हैं और मिलावट से बच सकते हैं। कल एक और नई गतिविधि के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।